आज हम समझने वाले हैं सिंक्रोनस काउंटर कि सिंक्रोनस काउंटर क्या होता है, एसिंक्रोनस काउंटर क्या होता है, इन दोनों में क्या फर्क होता है और एक सिंक्रोनस काउंटर को कैसे डिजाइन करते हैं। तो जैसा ये हम डायग्राम में देख सकते हैं, सिंक्रोनस काउंटर एक ऐसा काउंटर होता है, एक ऐसा डिजिटल काउंटर होता है जिसमें सभी में सेम क्लॉक पल्स दी जाती है। जितने भी फ्लिप फ्लॉप लगे हुए हैं उन सब में सेम क्लॉक पल्स जाएगी, उन सब में जो ट्रांजिशन होगा वो भी साइमल्टेनियसली होगा, एक ही सेम क्लॉक पल्स के आधार पे सब में ट्रांजिशन होगा। तो आप जैसा इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ इस डायग्राम में ये चार जेके फ्लिप फ्लॉप लगे हुए हैं और चारों ही जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर ये सेम क्लॉक पल्स जा रही है। तो इस प्रकार का जो काउंटर होता है जिसमें सब में सेम क्लॉक पल्स जाती है उसे हम सिंक्रोनस काउंटर कहते हैं। जबकि ए सिंक्रोनस जो काउंटर होता है उसमें सब में सेम पल्स नहीं जाती है, उसमें सब में अलग अलग क्लॉक पल्स जाएगी। तो ये देख सकते हैं आप, आउटपुट बिट चेंज स्टेट साइमल्टेनियसली विथ नो रिपल। तो अपन देख सकते हैं कि इसमें स्टेट साइमल्टेनियसली चेंज हो उसे हम सिंक्रोनस काउंटर कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये जैसा मैं बता चुका हूँ कि सिंक्रोनस बाइनरी काउंटर में टिकट साइमल्टेनियसली होता है, ये मैं अपन देख ही चुके हैं, और रिमेन अनचेंज ये भी हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं कि एक सिंक्रोनस काउंटर को कैसे डिजाइन किया जाता है। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, जैसे ये सबसे फर्स्ट स्टेप है, यहाँ मैंने लिख रखे हैं, सबसे फर्स्ट स्टेप है फाइंड नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड एंड सेलेक्ट फ्लिप फ्लॉप। सबसे नंबर एक स्टेप क्या है कि आपको ये देखना है कि जो सिंक्रोनस काउंटर डिजाइन करना है वो कितने बिट का है। तो जितनी बिट होंगी उतने ही हमें फ्लिप फ्लॉप लेने पड़ेंगे। जैसे कि अगर हमें दो बिट का फ्लिप सिंक्रोनस काउंटर बनाना है, दो बिट का बनाना है, तो हमें दो फ्लिप फ्लॉप चाहिए होंगे। और जब दो फ्लिप फ्लॉप चाहिए होंगे तो हमें ये सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हमें किस प्रकार के फ्लिप फ्लॉप का यूज करना है। ये जेके होना चाहिए, डी होना चाहिए, टी फ्लिप फ्लॉप है, किस प्रकार का फ्लिप फ्लॉप हमें लेना है। तो फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आपको नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप निकालना है, ये बड़ा इजी स्टेप है। नेक्स्ट है राइट ट्रुथ टेबल ऑफ सिलेक्टेड फ्लिप फ्लॉप। जो भी अपन ने फ्लिप फ्लॉप लिया है उसकी ट्रुथ टेबल और एक्साइटेशन टेबल बनानी होती है। तो आप उसकी एक्साइटेशन टेबल और ट्रुथ टेबल बना देंगे। अब उसके बाद में जो डिटरमाइन द फ्लिप फ्लॉप इनपुट विच मस्ट बी प्रेजेंट फॉर द डिजायर्ड नेक्स्ट स्टेट फ्रॉम प्रेजेंट स्टेट यूजिंग द एक्साइटेशन टेबल। यहाँ हमें जो पूरे सर्किट के लिए एक एक्साइटेशन टेबल बनानी है, वो हम देखेंगे ये कैसे बनती है। नेक्स्ट है जो भी हमने ये एक्साइटेशन टेबल बनाई है उसके बाद में हमें एक के मैप बनाना है, और के मैप बनाने के बाद में जो भी उसमें आउटपुट निकलता है उसके अकॉर्डिंगली हमें सर्किट बनाना पड़ता है। तो ये स्टेप डायरेक्टली इतना नहीं समझ सकते हम, जब हम एक एक इसमें करके देखेंगे तब हमें समझ में आएगा। अपन एक एक स्टेप से चलते हैं वन बाय वन। तो नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे, एक काउंटर बना के हम उसे पूरा समझने की कोशिश करेंगे जिसमें हम ये सारे रूल यूज में लेंगे। थैंक यू।